सिर को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में चली, पेट खराब होना और चकते हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरूरत हो। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे और अधिक चक्कर आ सकते हैं। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेना फायदेमंद है। इसे लेने से पहले अगर आपको या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वह आपको एक उचित डोज दे सके। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पिरिटिन सी एस सिरप के मुख्य इस्तेमाल। सूखी खांसी का इलाज। पिरिटिन सी एस सिरप के फायदे। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। इससे परेशानी होती है, आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। पिरिटिन सी एस सिर्फ सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। पिरिटिन सी एस सिर्फ आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। पिरिटिन सी एस सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। पिरिटिन सी एस के सामान्य साइड इफेक्ट। पेट खराब होना, नींद आना। पिरिटिन सी एस सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। पिरिटिन सी एस सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।